नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। जो यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया है। दरअसल सी विद्यासागर अब तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन अब जब उनका कार्यकाल 30 अगस्त को खत्म हो गया है तो भगत सिंह कोश्यारी की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। तो भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो उत्तराखंड में काफी उनका बड़ा जो है कद रहा है। बीजेपी का जो पक्ष है उन्होंने हमेशा रखा है, पार्टी की बातें उन्होंने हमेशा यहां पर रखी है। प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के वो स्वयंसेवक भी वहां पर रह चुके हैं। तो इस बार के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, कहा यह जा रहा था कि शायद उनको टिकट दी जाए, लेकिन उन्होंने चुनाव न यहां पर करने की इच्छा जताई थी कि वो चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक नई जिम्मेदारी के साथ यहां पर सरकार ने उन्हें भेज दिया है महाराष्ट्र में। बता दें कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव है, तो ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी की महाराष्ट्र में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होना कहीं ना कहीं पार्टी को आगे आने वाले वक्त में फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि भगत सिंह कोश्यारी को एक नई जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का राज्यपाल उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।